वीडियो है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसानों को पीछे से आ रही एक थार ने किस तरह से कुचला, उन्हें रौंदते हुए वो आगे बढ़ गई। उसके पीछे एक काली फॉर्च्यूनर और उसके पीछे एक और सफेद गाड़ी थी। आप फिर देखिए इन तस्वीरों को, किसान वहां कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण चल रहे हैं हाथों में झंडे लेकर, लेकिन एक थार आती है पीछे से और पूरी रफ्तार से उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर है और एक सफेद गाड़ी। और ये तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं इसलिए ताकि पता लगे कि उस दिन हुआ क्या था। आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाड़ी ने वहाँ शांतिपूर्वक चल रहे किसानों को, जो न किसी पर पत्थर फेंक रहे थे न किसी के साथ हिंसा कर रहे थे, उन्हें कुचला है और ये गाड़ी इसके बाद आगे बढ़ गई। इन तस्वीरों से बहुत साफ दिख रहा है कि गाड़ी चलाने वाले की मंशा इन किसानों को देखकर गाड़ी धीमी करने की बिल्कुल भी नहीं थी और इसी वजह से इस घटना में 4 किसान मारे गए गाड़ी के कुचले जाने से। 8 लोग कुल मिलाकर मारे गए, इनमें एक पत्रकार भी शामिल है और बाकी 3 अन्य लोग हैं जो बाद में हुई हिंसा में मारे गए जब किसान काफ़ी नाराज हो गए इस हादसे के बाद। आप बहुत क्लियर, बहुत साफ इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि वहाँ से शांतिपूर्वक गुजर रहे इन किसानों के पीछे किस तरह से ये थार पूरी रफ्तार में आई है। उसने बिल्कुल ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की, ड्राइवर दिख रहा है उसमें सफ़ेद रंग की कमीज उसने पहनी हुई है, बिल्कुल ब्रेक लगाने की कोशिश नहीं की और वो इसको कहा जाता है रौंदते हुए आगे बढ़ना, किसानों को यहां रौंदते हुए आगे बढ़ गया। इस गाड़ी के अंदर और कितने लोग थे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा भी था, ये बात अभी पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस की जांच में, लेकिन किसानों का ये दावा है कि इसमें मंत्री का बेटा भी था और उनका कहना है कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये जांच में ही पता लग पाएगा कि गाड़ी चलाने वाला कौन था। 3 गाड़ियां एक के बाद एक, सबसे आगे ये काली थार जो बिल्कुल रफ्तार में आते हुए पीछे से किसानों को टक्कर मारती है, उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है और उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी आती है वो भी उसी रफ्तार में आगे निकल जाती है। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि वहां रुके या जो दुर्घटना हुई है उसके बाद किसी तरह से वहां पर देखे कि हुआ क्या है। ये बिल्कुल बेपरवाह, लापरवाह, एक तरह से जिसे कहा जाता है कि क्रिमिनल तरीके से आगे उनको टकराते हुए, उनको रौंदते हुए गाड़ी निकल जाती है। तो ये इस घटना का एक वीडियो सामने आया, हालांकि NDTV इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसी तरह का एक वीडियो कुछ दिन पहले भी सामने आया था, वो इतना स्पष्ट इतना साफ नहीं था लेकिन यही वीडियो था। ये जो नया वीडियो सामने आया ये बिल्कुल साफ है और साफ पता लग रहा है कि थार गाड़ी की और उसके पीछे आने वाली बाकी गाड़ियों की रफ्तार क्या थी। बहुत दूर से किसान इन गाड़ी के ड्राइवरों को दिख गए होंगे, उसके बावजूद इन्होंने अपनी गाड़ियां नहीं रोकी, ये उनको हॉर्न बजाकर हटने का इशारा भी कुछ नहीं किया, बड़ी तेजी से आए और जो किसान आगे की तरफ चल रहे थे पीछे की तरफ, जिनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कोई गाड़ी अचानक तेज रफ्तार से आकर उनको टक्कर मार सकती है, ये किसान जा रहे थे और उनको पीछे से इन गाड़ियों ने टक्कर मारी। इस मामले में अब एक जांच जो है वो चल रही है, FIR भी हो चुकी है जिसमें मंत्री के बेटे का नाम भी है और उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि वो निष्पक्ष इस मामले की जांच करी। एक बार ये पूरा वीडियो आप देखिए तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि किसान किस तरह से अचानक भौचक हो जाते हैं इस घटना से, अचानक उन्हें समझ में नहीं होता आता है कि ये हुआ क्या है और उसके बाद जब किसानों को समझ में आता है कि एक बड़ा हादसा हो गया, इन गाड़ियों ने एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया है, तो फिर वो इकट्ठा होते हैं, भागते हैं, घायलों को उठाते हैं और उसके बाद जो हिंसा हुई वो आप इसमें पूरी तरह से नहीं आएगा लेकिन वो हिंसा भी हुई, मारपिटाई भी हुई, आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ये गाड़ी ने रौंदा पीछे से किसानों को जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, उसके पीछे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गई है, उसके पीछे एक और सफ़ेद गाड़ी गई, उसमें भी लोग लदे हुए हैं और इन गाड़ियों ने वहाँ रुकने की कोई जहमत नहीं की, हालांकि बाद में इनमें से 2 गाड़ियाँ पलट गई और इसके बाद जो कोलाहल, जो वहाँ हंगामा है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बेटा बच गयो,